एंड आप लोगों की तालियां बजती रहे। मंच पर विराजमान ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान गणेशी लाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जीएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा राज्य के मंत्री श्री प्रफुल्ल मल्लिक जी, संसद में मेरे साथी श्री रामचंद्र हंसदास जी और यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2019 उड़ीसा को, देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए, इसी कामना के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में उड़ीसा के विकास से जुड़ी करीब 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। नववर्ष पर इन नए उपहारों के लिए मैं आप सभी को, उड़ीसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, विकास, सबका विकास, तेज विकास और संपूर्ण विकास, ये केंद्र सरकार की कार्य संस्कृति है, संकल्प है, हमारे संस्कार है। बीते 4.5 वर्षों से सरकार ने ऐसे विकास का रास्ता चुना है जिस पर नए भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण हो सके। विकास का सीधा असर सामान्य मानवीय के जीवन पर, गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन पर पड़ता है और इसलिए हमारा फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बुनियादी सुविधाओं पर है। साथियों, सामान्य मानवीय के जीवन में कैसे स्थायी परिवर्तन आ रहा है उसका उदाहरण बालासोर हल्दिया दुर्गापुर की एलपीजी पाइपलाइन है। करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च पे ये पाइपलाइन तैयार है। इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में रहने वाले लाखों परिवारों को एलपीजी गैस सुलभ होगी। इतना ही नहीं, इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान भी लोगों को रोजगार मिला और अब जब ये पूर्ण हो गई है तो इसने नए रोजगार के अवसर भी खोले। अब इसी पाइपलाइन से इस क्षेत्र में गैस बेस्ड इकोनॉमी का एक पूरा इकोसिस्टम विकसित होगा। साथियों, पहले यही गैस टैंकरों के माध्यम से इन तमाम जिलों तक पहुंचाई जाती थी। इसमें समय भी अधिक लगता था, खर्च भी ज्यादा होता था और पर्यावरण में प्रदूषित भी फैलता था। अब इस एक पाइपलाइन के बनने से ही अनेक समस्याओं का समाधान हो गया है। भाइयों और बहनों, यही विकास की हमारी परिभाषा है। आज हम 21वीं सदी के उस पड़ाव पर है जब कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है और इसलिए हमारी सरकार पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर निरंतर जोर दे रही है। इसमें भी पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जितना खर्च हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, चाहे हाईवे का निर्माण हो, रेलवे लाइन बिछाने का काम हो, एयर और डिजिटल कनेक्टिविटी का मसला हो, इन कार्यों में आज जो गति देश में दिखने को मिल रही है वो भी अभूतपूर्व है। ओडिशा में भी रेलवे, हाईवे, एयरवे पर हमारा बहुत जोर है। यहां पर रेलवे जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना ही यहां के लोगों के लिए आना जाना आसान होगा। साथ में खनिज संपदा और उद्योगों के बीच
जो दूरी है वो दूरी भी मिट जाएगी। साथियों, उड़ीसा की दो रेल लाइनों को चौड़ा कर उन्हें आज राष्ट्र को समर्पित किया गया है। वहीं एक नई पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा बालासोर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। भाई और बहनों, रेलवे के साथ साथ हमारे नेशनल हाईवे भी कनेक्टिविटी का मजबूत आधार रहे। केंद्र सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि गांव से लेकर शहर तक पक्की और अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जाए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी देर पहले 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। इसके तहत नेशनल हाईवे को चौड़ा तो किया ही जाएगा, अनेक नए पुल, फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। आधुनिक होते इन हाईवेज का लाभ ओडिशा के साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिलेगा। साथियों, भारतमाला परियोजना हो, सागरमाला परियोजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, रेलवे का विस्तारीकरण हो, नए नए एयरपोर्ट का निर्माण हो, हमारे नदी मार्ग वाटरवेज को विकसित करने की योजना हो, एक समग्र और संपूर्ण व्यवस्था की तरफ हम देश को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होगा तो देश का मध्यम वर्ग और मध्यम उद्योग वर्ग ही है। जब आधुनिक सड़कें होती हैं, बेहतर साफ सुथरी ट्रेनें होती हैं, हवाई जहाज का किराया कम होता है, तो मध्यम वर्ग के लोगों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। मुझे खुशी है कि आज ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक और प्रयास हुआ है। भाई और बहनों, पासपोर्ट के लिए पहले किस प्रकार की असुविधा होती थी, कहां कहां भटकना पड़ता था, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। केंद्र सरकार ने बीते 4.5 वर्षों से एक प्रयास किया है इस दिक्कत को कम से कम किया जाए। इसी कड़ी में आज अस्का, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर और क्योंझर में 6 नई पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। साथियों, सामान्य मानवी का सिस्टम से संघर्ष कम हो, जिन सुविधाओं का वो हकदार है वो उसे आसानी से मिले, सरकारी सेवाओं के लिए उसे दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और नई व्यवस्थाएं तैयार कर रहे हैं। साथियों, सुविधाओं और संसाधनों के विकास के साथ साथ बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी पूरी क्षमता से, संवेदनशीलता से काम किया है। हमारी आस्था से जुड़े स्थान हो, आध्यात्म से जुड़े स्थान हो, इतिहास से जुड़े स्थान हो, योग और आयुर्वेद से जुड़ा हमारा ज्ञान का भंडार हो, इनका हर प्रकार से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। साथियों, इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए ओडिशा के गौरवशाली इतिहास, यहां की संस्कृति और धरोहरों को विकसित करने के अभियान आज से शुरू हुआ है। बारीपदा का रसिकारे मंदिर या बरीपुर गढ़ का पुराना किला हो, इनको और दिव्य और भव्य बनाने के काम का आज शुभारंभ हुआ है। सदियों पुरानी ऐसी अनेक धरोहर ओडिशा में है, हमारे देश के कोने कोने में है। इनके विकास और सुंदरीकरण से अपनी संपदा को संरक्षित तो हम कर ही रहे हैं, रोजगार के नए अवसरों का निर्माण भी कर रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों से बीते 4 वर्षों में देश के टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ा उछाल आया है, जिससे हर वर्ग के
लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। भाई और बहनों, आज जितने भी प्रोजेक्ट्स का यहां लोकार्पण, शिलान्यास या फिर उद्घाटन किया गया है, वो उड़ीसा के जनजीवन को सरल और सुगम बनाने वाला है। इन सभी सुविधाओं के लिए आप सभी को, हर उड़ीसावासी को मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। विकास गतिशील होता है, निरंतर नए आयाम लेकर के आता है। आने वाले समय में यहां उड़ीसा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाएं पूर्णता पर पहुंच रही है। विकास की नई परियोजनाओं के साथ मैं फिर आपके बीच आऊंगा। इसी विश्वास के साथ आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। जय जगन्नाथ। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद रह जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के उड़ीसा के लोगों के प्रति आदर और प्यार के लिए हम सब उनके आभारी हैं और तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। सर प्रणाम।